अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि भाई दो जो नेटवर्क हमारे पास डिफरेंट होते हैं उन दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने हमारे पास नेटवर्क बना था और हम लोगों ने उस नेटवर्क को सॉरी स्विचेस के थ्रू आपस में कनेक्ट किया था। यहाँ हमारे पास एक ही नेटवर्क है और एक ही नेटवर्क बना हुआ है, हम इसको डायरेक्ट स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ये हमारे पास सेम ही नेटवर्क पे एग्जिस्ट करेगा और इसके अंदर किसी भी तरह के सर्वर्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि ये नेटवर्क्स हमारे पास किसी दूसरी लोकेशन पर मौजूद हों जिसमें हमारे पास इन बिटवीन बहुत सारे डिवाइसेज आ रही हों, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट करें। उसके लिए हम लोग राउटर्स को यूज़ करेंगे और राउटर्स को कन्फिगर करना सीखेंगे आज के सेशन में। अब हमारे पास ये दो नेटवर्क्स हैं, हम यहाँ पर अगर एक राउटर प्लेस करके देखते हैं कि भाई हाउ डू वी कनेक्ट दीज टू नेटवर्क्स विद दिस सिंगल राउटर। चूँकि हमारे पास राउटर के इंटरफेसेस होते हैं यहाँ पे, अगर हम इसके कॉन्फ़िग में जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास राउटर के चार इंटरफेसेस हैं जो स्विचेस के लिए अवेलेबल हैं, दो सीरियल के लिए अवेलेबल हैं यहाँ पे, हम इनको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब इन इस राउटर को इन दोनों नेटवर्क्स में ऐड करने के लिए हमारे पास सुनसा है वो ये तरीका यूटिलाइज किया जाएगा कि हम इस नेटवर्क को इस गेटवे इसका गेटवे बनाएंगे और इसी तरह से इस राउटर का एक गेटवे इस नेटवर्क के लिए बनेगा। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है, हम देखते हैं, हम इस राउटर को इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस राउटर की सेटिंग इस नेटवर्क के लिए कंडक्ट करेंगे। फास्ट इथरनेट 0 में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज 10.0.0.1। हमने आईपी एड्रेस असाइन किया, हमने इसको एक्टिव किया और हमारे पास संसा है वो ये गेटवे इस नेटवर्क के लिए एक्टिव हो गया। अभी हमारे पास हमारा जो ये नेटवर्क है, अगर आप देखें तो ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, देखते हैं कि ये राउटर से कम्युनिकेट करता है या नहीं। In progress and it takes definitely some time to get connected with the router, कि थोड़ी देर में इस राउटर के साथ कन्फिगर हो जाएगा और ट्रांसमिशन को अलाउ कर देगा। ओके, नाउ इफ वी कम ओवर हियर और हम इस दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने की कोशिश करें इसी नेटवर्क के साथ, इसी राउटर के गेटवे के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं, इस स्विच को हमने इसको सिलेक्ट किया और फिर इसको कॉन्फ़िगर किया। ये हमारे पास फास्ट इथरनेट 1 पे हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और हमने इसका आईपी एड्रेस डिफरेंट एक आईपी एड्रेस सेलेक्ट किया .0.1 और ये हमारे पास हमने इसका स्टेटस एक्टिव किया और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नेटवर्क जिनसा है आपस में कॉन्फ़िगर हो गया। अब ये नेटवर्क के लिए इस गेट ये गेटवे यूज़ हो रहा है इसका, इस राउटर का गेटवे और सिमिलरली इसी नेटवर्क के लिए इसी राउटर का गेटवे यूज़ हो रहा है। हम देख सकते हैं कि हमारा जो राउटर है वो इस नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है और इसी तरह से इस सारे के सारे नेटवर्क को इस राउटर का एक गेटवे जो सा है वो सपोर्ट कर रहा है। इट विल टेक सम टाइम टू गेट एक्टिवेटेड। नाउ द डिफरेंट सिनेरियो इज that how do we connect two routers with each other or more than two routers। अगर हमारे पास इसी नेटवर्क में दो या दो से ज़ायद routers आ जाते हैं, multiple routers exist करते हैं in between, तो उन routers को हमने कैसे connect करना है, उसके लिए हमारे पास सुनसा है वो बड़ा आसान सा तरीका ये है। Let's suppose मैं इस router को इस router के इस connection को delete कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया राउटर जिनसा है वो ऐड कर देता हूँ और ये राउटर हमारा इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देता है। नाउ वी कैन सी दैट वी हैव टू राउटर्स और ये दो राउटर्स जिनसे हैं, ये एक नेटवर्क को ये सब का ये गेटवे बना हुआ है, इन बिटवीन बहुत सारे राउटर्स हो सकते हैं और एक का गेटवे ये बना हुआ है, इसको भी हमें कन्फिगर करना पड़ेगा। चूँकि हमने अभी इसको प्लेस किया है अभी, तो हम इसको कन्फिगर कर लेते हैं। हमने इसका आईपी एड्रेस एंटर किया, सिंपली इसका स्टेटस एक्टिव किया और हमारे पास ये राउटर इस नेटवर्क में ऐड हो गया। अब हमने इन दोनों राउटर्स को आपस में कॉन्फ़िगर करना है
ये आप देख सकते हैं कि इस राउटर, इस डिवाइस की राउटर तक की कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गई है। और इसी तरह से हम अपने सारे डिवाइसेस को अपने इस राउटर के साथ कम्युनिकेट करवाएंगे। तो हमारे पास ये राउटर इस नेटवर्क के लिए, ये राउटर एक गेटवे बन गया है। सिमिलरली ये हमारे पास जो डिवाइसेस हैं इस नेटवर्क के लिए, अब ये जो हमारा राउटर है ये इस नेटवर्क के लिए गेटवे बन गया है। आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही है। हम इनके आईपी एड्रेसेस को अपडेट करेंगे, 2.168 जो हमारा गेटवे है वो हमने एंटर किया और ये वाला हमारे पास सक्सेसफुल हो गया। अब हमने इन दोनों राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन यूज करेंगे। हम इस राउटर को, राउटर 9 को राउटर 10 के साथ कनेक्ट करेंगे और इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम सिंपली राउटर में जाएंगे, कॉन्फ़िग में आए हैं, और इसकी सीरियल में जाएंगे, स्टेटस एक्टिव कर देंगे, क्लॉक रेट सेट करना चाहते हैं तो हम क्लॉक रेट यहाँ सेट कर देंगे, और हम दूसरे राउटर का आईपी एड्रेस दे देंगे जिससे इसने कम्युनिकेट करना है। हमने इसका आईपी एड्रेस एंटर किया और ये हमारे पास इस साइड का कनेक्शन बिल्ड हो गया। अब यहाँ से हमने इसका आईपी एड्रेस सेंड करना है, तो हम यहाँ पर आएंगे, इसका क्लॉक रेट सेट करेंगे और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस सुन सा है 10.0.0.1 ऐड कर देंगे और हमारे ये दोनों राउटर्स आपस में कम्युनिकेट हो जाएंगे। We can see that we can easily communicate with each other. Now, if I want to see, हमारे पास ये राउटर आपस में इस ये मैसेज, ये मशीन इस राउटर से कम्युनिकेट हो रही है, तो सिमिलरली ये मशीन इस पीसी से भी कम्युनिकेट हो सकती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ इस नेटवर्क से मैं इस नेटवर्क में रखी हुई डिवाइसेस को अप्रोच कर रहा हूँ और उनको जिनसा है वो मैसेज ट्रांसमिट किया जा सकता है किसी भी डिवाइस को, किसी दूसरे नेटवर्क की डिवाइस में। Here is the message which is successful. Thank you so very much.